देश में गुरुवार के दिन 18 तारीख को दशहरा बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया गया। वहीं अकोला डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसपी कला सागर साहब ने शिवा मोहोड़ जो 15 साल से अकोला के गोरक्षण रोड तुकाराम स्थित में रावण दहन का प्रोग्राम करते हैं, वहां पे एसपी कला सागर साहब, विलास पाटिल साहब, माने साहब, सभी थानेदारों ने पहुँच कर वहाँ पर डॉक्टर एसपी कला सागर साहब ने वहाँ पे पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने सभी को दशहरे की बधाइयाँ दी और रावण का दहन अपने हाथों से किया। तो शिवा मोहन साहब जो नगर सेवक है अकोला के अंदर, ये हर साल 15 साल से ये रावण का दहन का कार्यक्रम अकोला में आयोजित करते हैं। भरपूर मात्रा में इसके अंदर हज़ारों और तादाद में लोग पहुँचते हैं और इस रावण दहन प्रोग्राम का अकोला में आनंद लेते हैं। तो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए दशहरा मनाया जाता है, जिसे बड़ी धूमधाम के साथ में अकोला में मनाया गया। एसपी राजकेश कला सागर साहब ने रावण का दहन किया। देखिए हमारे रिपोर्टर इरशाद अहमद की रिपोर्ट अकोला के गोरक्षण रोड से। रावण दहनचे कार्यक्रम शिवम मोहट जी की तरह से आयोजन केला होता, त्या अनुषंगाने आम्ही आणि सगळे पोलीस ऑफिसर्स इथे आला होता। आता चांगल्या पद्धतीने रावण कार्यक्रम झालेला आहे, त्याबद्दल मी सर्वांना अकोला पोलीस तर्फे, सर्व नागरिकांना मी अकोला पोलीस तर्फे विजयदशमीची हार्दिक शुभेच्छा। अड़गाँव में गरीब लोगों के लिए सामाजिक काम करने वाले शमीर खान के ऊपर वहां पे अवैध धंधा करने वाले लोगों ने कुछ जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें शमीर खान ने पहले ही पुलिस को रिपोर्ट देकर ये बताया था कि उसके ऊपर कुछ लोग जानलेवा हमला करना चाहते हैं जो वहां पे अड़गाँव में अवैध धंधा करते हैं। फिर भी पुलिस ने उसके ऊपर उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। शमीर खान निर्भीक और निडर एक पत्रकार भी है, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये हमला किया गया। जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो सभी पत्रकार मिलकर अकोला कलेक्टर ऑफिस पे धरना देंगे। वही धम्म चक्र परिवर्तन दिन के मौके पर अकोला के आकोट फैल के अशोक नगर से सभी युवतियों ने डांडिया खेल के एक रैली अकोला के अशोक वाटिका तक निकाली। अकोला में देखा गया है कि सभी अकोला और आसपास के ग्रामीणों से लोग अशोक वाटिका पे जमा होते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के साथ में खुशियाँ से धम्म चक्र परिवर्तन दिन का आनंद लेते हैं। देखिए हमारे रिपोर्टर इरशाद अहमद की रिपोर्ट। बालापुर के ग्राम हथरुन की कांग्रेस, युवक कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से नवरात्र और गणेश फेस्टिवल को और दिवाली को देखते हुए एक निवेदन सब डिवीज़न लोड शेडिंग के लिए दिया गया, जिसमें वहां पे इशरत जागीरदार, जावेद खान, सीमा धमाम, शेख आरिफ, शाबिर खान, अलियार खान, मुजाहिद खान, फिरोज पठान, स्वप्निल पाठक, शेख नाजीम कुरैशी, मसरत जावेद, इमरान शाह, शेख जावेद और सलमान खान मौजूद थे। देखिए मुजाहिद खान की रिपोर्ट हथरुन से। ज़्यादा लूट शेडिंग हो रही है, जबकि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जब ये चुनाव जो चल रहे थे उस टाइम घोषित किया था कि हम यानी भार नियम मुक्त गाँव देंगे, ये उनके खोटे आश्वासन हमें लगते हैं। इस कारण से हमने जो त्रासदायक जनता है उनके मार्फत हमने युवक कांग्रेस के और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस हमने जो निवेदन सादर किए है, अगर हमारे निवेदन का विचार ना किया गया तो हम गायगांव सब स्टेशन उन गायगांव में रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। ऐसा मैं हमारी युवक कांग्रेस और हथरुन युवक राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से। बालापुर के लोटनापुर में सर सैयद अहमद खान की यौम पैदाइश के मौके पर एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई, जिसमें वहां पे युवक सभी मौजूद थे। मनसब
खान, मोहम्मद जफर, शेख मजहर, मुशीर मेंबर, इकरार खान, परवेज खान, अहमद खान, सैयद इमरान, शेख अकील, तौसीफ खान, शेख नज़ीर, अमीर हुसैन, अब्दुल अवेस और अब्दुल शकील, साजिद अहमद। ताज ग्रुप की तरफ से ये सब सर सैयद साहब अहमद साहब का यूम पैदाइश को मनाया गया। रंगरेज की आवाज़, ऑल इंडिया न्यूज़ टीम, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को ज्वाइन करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारा चैनल कैसा लगा और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट